दिल्ली की मंडी में आया हूँ। क्या क्या सब्जी? हाँ, टमाटर 80 रुपये किलो हैं, हैं इसलिए जो है बहुत सब्जी बहुत महंगी है, हैं 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो आलू है, समझे, और 300 रुपये वो 250 रुपये किलो शिमला मिर्च है, हाँ गोभी है 150 रुपये किलो, इसलिए मैं हैं कुछ 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 नहीं खरीद पा रहे हम। फिर कैसे जो किचन है वो चल पाएगी? हाँ देखो अभी तो क्या होता है, क्या बोले हम, सरकार जो चाहती है वो करती है, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, मनमानी है। तो मुश्किल आती है फिर घर में? बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है ही है, लेकिन क्या करेंगे, जीना है, जीने के लिए तो खाने के लिए जीना है, महंगा हो चाहे कुछ भी हो। अब आवाज़ कहाँ है, जनता की आवाज़ सरकार तक जाती है? नहीं जाती है, नहीं जाती ना, तो क्या करेंगे, वो इसलिए चुपी है सरकार, और जनता भी चुप रहती है, कम खा लेगी थोड़ी और क्या करेगी। 60 रुपये किलो। अच्छा, तो लोग ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते से रेट कुछ ज़्यादा चल रहा था क्या? नहीं यही रेट था, 70-60-70। अभी एक नंबर टमाटर 80 रुपये किलो है का? अच्छा, हाँ। कोई खास वजह पता लगी कि इतना महंगा? नहीं, इसके खास वजह क्या, बारिश की वजह से लोग कह रहे हैं कि महंगा है का, बारिश की वजह से। तो अभी कितने दिन तक ये रेट और लगता है कि आपको चलेगा? अब जब तक के बारिश होगा यही लोग कहते हैं, आड़ती लोग तो यही कहते हैं, जब तक के बारिश होगा इसे रहेगा, 1 महीने तक के मान लो। तो क्या आपकी बिक्री पर भी कोई फर्क पड़ता है जब महंगा होता है तो? अब बिक्री क्या है, उनको लेना मजबूरी है, हमारा भी बेचना मजबूरी है, क्या करें। लेकिन क्या बिक्री में कुछ कमी बढ़ोतरी होती है अब, ऐसे में? हाँ, इसको 20 किलो लेना होता है 10 किलो लेता है, तो उससे आपको क्या मतलब, जाहिर है कि कुछ नुकसान होता होगा? नुकसान क्या, दाल रोटी मिलता है, नुकसान कहे को, हम नुकसान करेंगे तो हम आड़ती को कहाँ से देंगे, हम भी खरीद के लाते हैं, हमारे घर पे थोड़ी बन रहा है। तो मंडी में आप बता रहे हैं कि 60-70? हाँ हाँ हाँ, जो हाँ रिटेल में तो ये फिर आगे जाके और ज्यादा? हाँ आगे जाके 100 रुपये किलो, आगे जाके 100 रुपये किलो भाड़ा किराया लगा के 80 रुपया पड़ी गया, उसको भी तो चाहिए 10-15 रुपये किलो का, वो भी तो कमाएगा। दिल्ली में गाजीपुर मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, तो पिछले दिनों की तुलना में रेट में क्या फर्क दिखा? हमें कोई खास फर्क नहीं दिखा, रेट जो है जेन्युइन रेट है, और जो भरना है वो वास्तविक है, भरे गई। लेकिन जिस टमाटर या प्याज की हम बात करें या आलू की बात करें, तो पिछले दिनों की तुलना में उसके रेट जैसे 60 रुपये किलो तो टमाटर आज से ज्यादा भी बिक रहा है, तो क्या कहना सर? 60 रुपये जो टमाटर है वो 60 रुपये थोड़ी बिकेगा यार, टमाटर जब कभी होया 10 रुपये बिकता है उस समय तो कोई इशू नहीं उठाता लोग, आज 60 रुपये बिक रहा है तो लोग दिक्कत होगी, कल 80 रुपये बिकेगा तो और दिक्कत हो जाएगी, जब टमाटर की फसल नष्ट होगी, बर्बाद होगी, नहीं होगी तो खपत बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस सीजन में हर बार जैसे कई बार ऐसी स्थिति आती है तो जेब पर फर्क अतिरिक्त पड़ता है? तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, उसमें इसमें किसान की क्या गलती है और महंगाई क्या गलती है, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर टमाटर जिस दिन 10 रुपये किलो होता है उस दिन भी तो उतना ही लोग खाता है, उस दिन तो कोई नहीं कहता कि यार 10 रुपये किलो टमाटर थे हम उसको 100 रुपये बेचेंगे या हम 100 रुपये खरीदेंगे, वो तो कोई मैटर नहीं है, हमारे हिसाब से तो ठीक है जो रेट है जेन्युइन। आप गाजीपुर मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए, क्या क्या खरीदा आपने? सब्जियां इतनी महंगी है, क्या क्या, गोभी खरीदी वो भी 600 रुपये है, और टमाटर इतना है 400 रुपये दड़ी, इतना महंगा टमाटर है, 3 पन्नी लेते थे 1 पन्नी ली मैंने। समझौता कर रहे हैं तो सोई में समझौता चलेगा कैसे, मतलब कैसे चले, महंगाई इतनी है, 4 टमाटर डालते था 1 टमाटर डालते, एक दो दिन हो गए ये रेट जो बढ़ा हुआ आपको, ये हो गए 10-12 दिन हो गए बड़े हुए। फिर अगर आने वाले वक्त में भी इस तरीके का रहता तो कैसे भी चल पाएगा सब? अब देखो कैसे गुजारा करें, गुजारा तो करना ही है, कैसे भी महंगाई। पहले अगर हम बात करें कुछ एक अमाउंट आप लेके आते होंगे कुछ एक एवरेज अमाउंट, तो उस अमाउंट में अब उतनी सब्जी नहीं आ पा रही? नहीं आ पा रही, डबल रेट में हो गई है, 1000 लाते थे तो 2000 लाने पड़ रहे, डबल रेट में हो गई, बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय सामान खरीदने, क्या कहने रहे, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब सब्जी मंडी में ये है तो फिर वहाँ आगे जाके तो और ज़्यादा मुश्किल आती है, आगे तो 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो अभी आपने टमाटर कितने रुपये किलो लिया? टमाटर 350। प्याज और आलू ले पाए क्या? प्याज आलू भी महंगा है। कितने कितने रुपये किलो लिया? प्याज आलू 40 रुपये बता रहे हैं, 150 रुपये दाढ़ी, 300 रुपये 200 रुपये दाढ़ी बता रहे हैं। असल में क्या है जी, एक तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, आजकल मानसून है, बरसात है, माल भीग जाता है तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट है, तो वो लोग ले जाके 85 बेचेंगे, उससे कम में पड़ता नहीं आएगा, रिटेलर जो है 50 से कम बेच नहीं सकता, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, एक बैग में 1-2 किलो दागी निकलता है, खराब निकलता है, तो 50 से कम मार्केट है नहीं। तो आने वाले वक्त के लिए आप क्या लोगों के लिए बताना चाहेंगे, आम लोगों के लिए, कब तक ये सस्ता जो है वापस हो सकता? देखो जी, 2 महीने का प्रोसीजर है, ये हर साल ही होता है, बारिश के दिनों में सब्जी शॉर्ट हो जाती है,
तो थोड़ा तेजी बन जाती है, उसके बाद नई फसल आएगी कोल्हापुर से तो भाव कम होंगे। मानसून के अलावा भी कोई वजह इसकी हो सकती नहीं जी? और कोई वजह नहीं, मानसून के अलावा कोई वजह नहीं सर।